वेलकम बैक टू बंगला कैमरा सीनियर के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश इसमें फोनिक्स फोनिक्स में मैंने अभी भी आपको ट्राई की वर्ड सिखाया था हाँ तो आज आपको सिखा रही हूँ जी आर और पी आर जी आर का मतलब है ग्र और पी आर का मतलब है प्र ग के साथ आर मतलब ग्र और प के साथ आर मतलब प्र तो यहाँ जी आर वाले स्पेलिंग आपको जी आर तो जी आर ए एंड डी ग्रैंड जी आर ए एंड डी पी ए ग्रैंड पर जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो जी आर ओ यू एंड डी ग्राउंड जी आर ए डबल एस ग्रास जी आर ई ए टी ग्रेट जी आर डबल ई एम ग्रीन जी आर ए एन डी एम है ग्रैंड मा फिर से सिखा रही हूँ जी आर ए एन डी ग्रैंड जी आर ए एन डी पी ए ग्रैंड पर जी आर ओ डबल ग्रो जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड जी आर ए डबल एस ग्रास जी आर ई ए पी ग्रेट जी आर डबल ई एन ग्रीन जी आर ए एन डी एम ए ग्रैंड मा अभी आता है पी के साथ आर मतलब प्र तो पी आर आई एन सी ई डबल एस प्रिंसेस पी आर आई एन सी ई डबल एस प्रिंसेस यहाँ प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना है हाँ बेटा पी आर ओ यू एन डी प्राउंड पी आर ओ यू एन डी प्राउंड P R I Z E price. P R I Z E price. P R E double P Y pretty. P R sorry P R E double P Y pretty. P R A M prank. P R A M prank. P R I N D print. P R I N D print. P R A Y pray. P R A Y pray. P R I C E price. P R I C E price. ओके बेटा यहाँ देखो princess, proud, price, pretty, prank, print, pray, price. यहाँ proud भी हो सकता है. यहाँ कौन सा हो सकता है proud. P R O प्राउड ओके बेटा तो यहाँ प्राउड भी लिख सकते हो और प्राउड भी लिख सकते हो यहाँ तो दूसरा पी आर ओ यू एंड डी आता है तो प्राउड भी होता है प्राउड भी होता है ओके प्रिंसेस प्राउड प्राइस प्रीति प्राम प्रिंट प्रे प्राइस सुनते हो ना हाँ हाँ तो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करके आपको वर्ड्स बुक के लिखने हैं बेटा बुक में और हैंडराइटिंग अच्छी तरह से फोर लाइन में लिखो आप फोर लाइन में सही नहीं लिखते हो मैं देख रही हूँ आपकी बुक्स ओके तो जैसे फोर लाइन में जी नीचे की लाइन में रेड में जाता है डी ऊपर की जाता है जो वर्ड्स ऊपर की लाइन में जाता है आपको पता चलेगा वो ऊपर गया तो ऊपर की लाइन में ही टच होता है और जो वर्ड्स नीचे आया वो नीचे की लाइन में ही टच होता है है ना हाँ तो वैसे आपको लिखना है और लर्न करना है ओके बेटा बाय बाय सी यू